इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर 10 स्टेप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जिसको हम लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं। ये 10 स्टेप हमने 4-6 महीने में नहीं ढूंढे हैं। 10 स्टेप को ढूंढने के लिए हमारे दोनों के कम से कम नहीं तो 6 से 8 साल के स्ट्रगल्स हैं, जिसमें हमने खुद ट्रेड लिया, खुद गलतियां की, खुद लॉसेस किए, खुद अपना जर्नल किया, उन जर्नल से सीखा, तब जाके हमारे पास ये 10 स्टेप्स आए हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोग कंसिस्टेंट रिपीटेबल प्रोसेस बना पाए हैं अपने लिए, और यही स्टेप्स हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे आपसे एक बोल्ड प्रॉमिस करते हैं, ये 10 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपके पास एक कंसिस्टेंट रिपीटेबल प्रोसेस होगा, जिसको आप डे इन डे आउट करके महीना 2 महीना लगातार इसको फॉलो करके आप अपने जो लॉसेस हैं उसको आप कम कर देंगे। आप लॉस मेकिंग ट्रेडर से ब्रेक इवन ट्रेडर हो जाएंगे और फिर इवेंचुअली ब्रेक इवन ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की ओर बढ़ जाएंगे। तो मानस ये बताओ, इंस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी होती क्या है और उसको अचीव कैसे करते हैं, तुमने कैसे इसको अचीव किया? कि इंस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी जैसी कोई चीज मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। प्रॉफिटेबिलिटी इन ट्रेडिंग इज अ कंसिस्टेंट रिपीटेबल प्रोसेस। सो द फर्स्ट स्टेप इज ट्रेडिंग विद एन एज। एज का मतलब है अगर हम किसी भी चीज को लंबे समय तक करते हैं तो हमें उसके अंदर से छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसिनो क्या है, कैसिनो आपको नहीं पता क्या वो 1 रात में पैसा कमाएगा, 2 रात में पैसा कमाएगा, 3 रात में पैसा कमाएगा, या फिर वो 7 डेज लगातार पैसा कमाएगा। तो अगर कैसिनो को मालूम है, अगर वो लॉन्ग रन स्टिक करेगा ना, लॉन्ग रन में अगर वो टिका रहेगा, चाहे वो 1 महीना हो चाहे 2 महीना हो, तो वो एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द 2 मंथ्स कैसिनो विल बी ऑलवेज प्रॉफिटेबल। हम लोग ट्रेडिंग में ना बहुत लंबे समय तक के लिए यहाँ पे आए हैं, हमको यहाँ पे छोटे छोटे कंसिस्टेंट गेन्स चाहिए। यहाँ पे हमको ये नहीं पता कि हम मंडे को प्रॉफिटेबल होंगे, हमको ये नहीं पता कि हम ट्यूजडे प्रॉफिटेबल होंगे, मे बी देयर इज अ वीक जहाँ पे हम लोग लगातार लूजिंग स्ट्रीक में और हम लोग प्रॉफिटेबल ना हो। बट एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी स्ट्रैटेजी विद एन एज का मतलब ये हुआ कि अगर हम उसी स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक उसको रखते रहेंगे, लॉ ऑफ लार्ज नंबर को अगर हम अपना काम करने देंगे, तो एट द एंड ऑफ द 50 ट्रेड्स वी विल बी प्रॉफिटेबल। स्ट्रैटेजी विद एन एज वो यूट्यूब वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती या ट्विटर सोशल मीडिया आपको किसी दोस्त ने बता दी वो वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती। स्ट्रैटेजी विद एन एज आपकी अपनी बनाई हुई स्ट्रैटेजी होती है। वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन, प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट लोकेशंस, एक गुड एक्सपेक्टेंसी एंड हाई रिस्क रिवॉर्ड, ये सारी चीजें मिला के एज बनती है। सो स्टेप नंबर 2 शुरू होने से पहले हम लोग आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप लोग भी उनमें से हैं जिसने कभी ना कभी 2 या 3 या 4 किसी ना किसी का ट्रेडिंग कोर्स लिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम का ट्रेडिंग कोर्स हो, चाहे यूट्यूब का ट्रेडिंग का कोर्स हो, चाहे वो किसी के वेबिनार सेमिनार का कोर्स हो? डेफिनेटली हमने और मानस ने तो लिया है, बट उसका क्या कारण था कि इवन आफ्टर अटेंडिंग 4 courses I was not able to become profitable because they were missing step number 2, that कि वो स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो कर रहे हो ना वो आपकी पर्सनैलिटी से अलाइंड होनी चाहिए। अब आप स्कैल्पर हो, अब आपका माइंडसेट स्कैल्पर का है, स्विंग ट्रेडर का है, ऑप्शन सेलर, आप डायरेक्टली प्ले करना चाहते हो, आप कम प्रोबेबिलिटी बट हाई रिस्क वॉर्ड लेना चाहते हो, कि आप हाई प्रोबेबिलिटी बट लेस रिस्क वॉर्ड लेना चाहते हो, आपके पास समय कितना है देने के लिए इन द मार्केट, अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग का आपका अप्रोच है कि आप लंबे लंबे ड्रॉडाउन्स ले सकते हो, ये सारी चीजें विल बी यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपने पर्सनालिटी को ट्रेड करने का ये होता है कि दैट यू आर कंफर्टेबल, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हो उसी सेम स्ट्रैटेजी को स्केल करने में। मतलब जो स्ट्रैटेजी को अभी आप 2 लाख के अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो उसको आप 20 से भी कर सकते हो, 50 से भी कर सकते हो, एंड इवन जाके 2 करोड़ के अकाउंट से भी कर सकते हो। और हमने यही टॉपिक अपने TM गोल्ड मास्टरमाइंड में बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट के साथ हमने डिस्कस किया है कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी जान सकते हो कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, कि आप स्कैल्पर हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, या आप सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए बने हो। सो चेक आउट दिस मास्टरमाइंड सेशन एंड द फ्री कोर्स, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। सो स्टेप नंबर 3 इज वेरी कॉमन, द क्वालिटी ऑफ द ट्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ द ट्रेड। देखो अभी बात हुई ना, ये ऑलरेडी अ जीरो सम गेम है, हम लोग इसमें बोरोड कन्विक्शन पे ट्रेड नहीं कर सकते। अब अगर इसमें हम लोग फी को भी जोड़ देना जो हम लोग ब्रोकर को दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जो हम लोग अपने सीए को दे
ये सारे चीज छोड़ देना, तो इट बिकम्स अ नेगेटिव सम गेम। अगर हम बहुत सारी ट्रेड लेंगे, यानी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी और उसकी क्वालिटी ऑफ द ट्रेड कम रहेगी, तो हमारा ये जो जीरो सम गेम है ना, वो जो नेगेटिव सम गेम हो गया, वो और भी नेगेटिव सम गेम हो जाएगा। जितनी भी ट्रेड्स आप अपने ब्रोकर में पंच करते हो ना, वो सारी ट्रेड आपके एकदम रिसर्च के साथ होनी चाहिए, कन्विक्शन के साथ होनी चाहिए, और सॉलिड ट्रेड प्लान उसके पीछे होना चाहिए कि आप क्यों ट्रेड ले रहे हो, कहां पे बुक करोगे, कहां पे आप वहां से एग्जिट करोगे। सो एक कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करता है कि वो तीन स्टॉक उसने ट्विटर से देख लिए, दो स्टॉक उसने अपने दोस्त से पूछ लिए, तीन स्टॉक उसने अपने रिश्तेदार से पूछ लिए, और बाकी के चार पांच स्टॉक्स उसने टीवी से देख लिए। सो इन टोटल आपके पास नहीं तो आपने 10-12 स्टॉक्स आपने कलेक्ट कर लिए, और अगले दिन आप देखते हैं कि यार मैं तो इन्हीं 10-12 स्टॉक्स में ट्रेड लूंगा। अब आपके पास ना एक क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स इकट्ठा हो गया है, बट ये स्टॉक्स ना ही आपकी स्ट्रैटेजी से अलाइंड है, ये स्टॉक ना ही आपकी पर्सनैलिटी से अलाइंड है। ये अच्छे स्टॉक्स होंगे बट ये स्टॉक्स हमारे अपने नहीं है। सो ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एंड द फोर्थ स्टेप इज क्लैरिटी इन ट्रेड प्लान एंड फॉलोइंग दैट ट्रेड प्लान विद डिसिप्लिन। अब देखो, जो ट्रेड प्लान को बनाना और ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करना, ये बोथ आर डिफरेंट बॉल गेम्स। जब हम लोग ट्रेड प्लान बनाते हैं ना, तो वी हैव टू पुट द मैनेजरियल हैट, जिसके अंदर पे हमको अपने एनालिटिकल माइंड को यूज करना पड़ता है, मैनेजरियल माइंड को यूज करना पड़ता है, हम लोग को मैथमेटिक्स यूज करना पड़ता है कि कहाँ पे कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, कौन सी ट्रेड लगाना है, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ता है। जब एक बार ट्रेड प्लान बन जाता है, तो हम लोग को एग्जीक्यूशन हैट लगाना पड़ता है। उस टाइम पे हम लोग को एम्प्लॉय की तरह काम करना है। जो ट्रेड प्लान हम लोग ने बना दिया, वी आर स्लेव टू दैट ट्रेड प्लान। और वो ट्रेड प्लान माइंड में नहीं, आपके पास रिटर्न होना चाहिए, आपकी एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस सब रिटर्न होना चाहिए। मार्केट में ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरे दिन खाली बैठे और आपके पास कोई ट्रेड ना आए, दैट इज फाइन। जब आप ट्रेड आएगा तब आप ट्रेड लोगे, ट्रेड नहीं आएगा तो आप नहीं लोगे, एंड दैट इज डिसिप्लिन। चलो, मैंने फिफ्थ पॉइंट होने से पहले ना एक बेट करते हैं, एक कॉइन टॉस करते हैं, और अगर हेड्स आया मैं जीतूंगा और 20 रुपए मेरे, और टेल्स आया तो मैं हारूंगा पर 20 रुपए फिर भी मेरे। अरे भाई प्लेइंग फील्ड, देखो भाई प्लेइंग फील्ड लेवल होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि यहाँ तो हेड्स आया तो 20 रुपए तुम्हारे, और टेल्स आया तो तुम चलो 10 रुपए दे देना। फ्लिप करें यहाँ पे, चलो फ्लिप करते हैं, फ्लिप। अरे हेड्स, चलो 20 रुपए तुम्हारे, 20 रुपए तुम्हारे, चलो फिर से फ्लिप करते हैं। अब हुआ क्या कि 8 बार तुम जीते बट तुम्हें 8 बार में 20 रुपए मिले, इसका मतलब तुम्हें 160 रुपए मिले, और तुम 12 बार अगर तुम हारे, तुमने हर बार 10 रुपए हारा, इसका मतलब तुम्हें 160 में से 120 रुपए हारे, विच गिव्स यू 40 रुपीज। अरे यार काश ना इसमें 1,000 रुपए की शर्त लगानी चाहिए थी, तो मैं दिल्ली आके तुमसे पैसे ले लेता। जोक्स अपार्ट, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एज होगा, रिस्क रिवॉर्ड होगा, तो आपको मार्केट से पैसा लेके जाओगे। सो हियर कम्स द फिफ्थ पॉइंट, having and accepting the probabilistic mindset. इस exercise से हम लोगों ने आपको demonstrate करने की कोशिश करी कि what is the probability mindset. So अभी हमने देखा कि उत्कर्ष हारने के बावजूद भी मुझसे पैसे ले गया, and ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जब वो जीत रहा था वो ज्यादा जीत रहा था, और जब वो हार रहा था वो कम हार रहा था। सो इसी से हमारा पॉइंट नंबर 6 डिराइव होता है, एंड दैट इज ट्रेडिंग ओनली हाई रिस्क रिवॉर्ड सेटअप्स। जैसे आप क्रिकेट का एग्जांपल ले लो, अभी हाल ही में आईपीएल खत्म हुआ है, जब आपने प्लेयर्स को देखा होगा कि वो हर बॉल पे चौका या छक्का उड़ाने की तरफ नहीं जाते, वो कुछ ना कुछ बॉल को, जो अच्छी बॉलें होती है वो उनको डिफेंड करते हैं, जो लूज बॉल होती है उस पर चौका या छक्का उड़ाते हैं। तो इसी की तरह हमें हर दिन पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें उन्हीं दिन पे या उन्हीं सेटअप्स पे ट्रेड लेना है जो हमें हाई रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड्स ऑफर कर रहे हैं। सो अभी ना रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसके अंदर पे क्या था कि एक लैब में एक रैट को बीच में रखा गया था, और उसके कुछ डिस्टेंस पे एक चीज रखा गया था, तो रैट उस चीज की तरफ भाग, तो जब रैट यहाँ भाग रहा था ना, तो जो साइंटिस्ट लोग उन्होंने क्या करा कि उससे डबल चीज यहाँ पे रख दिया, तो रैट वापस आके रैट इधर भागने लगा, फिर जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे और भी बड़ा चीज यहाँ पे रख दिया, तो रैट वापस यहाँ भागने लगा। तो 3-4 बार ऐसे ऐसे करने के बाद ना रैट जो बीच में थक गया और वहीं पे बेहोश हो गया। तो उस रैट में और हम लोग में ना एक चीज कॉमन आई कि हम लोग भी शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के विक्टिम है। रैट भी इधर उधर भाग रहा था, और ये खाने के लिए ये बड़ा खाने के लिए पर ये बड़ा खाने के लिए भाग रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं नहीं पहुंचा। सिमिलरली हम लोग भी कभी ये वाली ईएमएस स्ट्रेटेजी की ओर जाते हैं, कभी ऑप्शन बाइंग की ओर जाते हैं, कभी हम लोग ऑप्शन सेलिंग की ओर जाते हैं क्योंकि यूट्यूब ने किसी ने बताया था, और हम लोग इतनी सारी स्ट्रेटेजी को करने के बाद हम लोग कहीं नहीं पहुंचते, और हम लोगों का अकाउंट जो होता है यहाँ नहीं होता। अकाउंट अगर यहाँ शुरू करें तो हम लोग अकाउंट यहाँ वापस नहीं होता, हम लोग अकाउंट नीचे होता है। तो अब हमें करना क्या है कि हमने जो एक स्ट्रेटेजी विद एन एज जो अभी ऊपर बात करे थे, उसको जो एक बार हमने पा लिया है, जो हमको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन और एज देती है, उसके बाद हमको स्ट्रेटेजी शिफ्ट नहीं, उसी स्ट्रेटेजी को हम लोगों को क्लैरिटी के साथ
डिसिप्लिन के साथ उसको डे इन डे आउट कंसिस्टेंटली फॉलो करना। अगर तुमको पता है कि स्टीव जॉब्स, टोनी रॉबिन्स, टिम फेरिस और बाकी अदर जो सक्सेसफुल पीपल है उनमें कॉमन क्या चीज है? पैसा पैसा तो है ही है, साथ ही साथ एक कॉमन चीज जिसकी वजह से उनके पास पैसा है, दैट इज दे हैव सुपर स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रिचुअल। रिचुअल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी वेरी सीक्रेट, वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी पर्सनल टू ईच एंड एवरीवन। ट्रेडिंग इज अ हाई परफॉर्मेंस फील्ड बिकॉज आपके पास जो हमने अभी सारे पॉइंट्स बताए वो एक्टिव, वो जो सारी चीजें हैं वो एक्टिविटीज की तरह आपको रोज कंसिस्टेंटली करना ही है। सो यही सब चीजें कंसिस्टेंटली करने के लिए आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस एकदम टॉप नॉच, एकदम ऑन पॉइंट रहनी चाहिए। ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें जरूरी नहीं कि आपका हर रोज प्रॉफिट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपका लास्ट दिन पे लॉस हुआ और अगले दिन आप सुबह उठे और आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, और यही वो टाइम है जब आपको एक सुपर स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन की जरूरत है। इस टाइम पे आपको खुद को ये याद दिलाने की जरूरत है कि आपने ट्रेडिंग क्यों शुरू की थी, कि आपके गोल्स क्या हैं, अब आपने ट्रेडिंग में जो इतना आगे आ चुके हैं वो आप आगे क्यों आए हैं। और इसी को खुद को याद दिलाने के लिए हम लोग टोनी रॉबिन्स की एक एक्सरसाइज है दैट इज प्रिमिंग, उसको हम लोग यूज करते हैं। अब तक आप लोग ना 8 पॉइंट जान चुके हैं। सो अब आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आप ये 8 पॉइंट जान के इनविंसिबल हो गए हैं, कि आप गलतियां नहीं करेंगे? आप बिल्कुल गलतियां करेंगे, आप अपने जो मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट भी करेंगे, बट उन सब के लिए हमारे पास है पॉइंट नंबर 9 एंड दैट इज जर्नलिंग। सो आप अपनी जर्नल में अपने जो मिस्टेक्स हैं आप वो भी लिखेंगे। सो आप अपने जो ट्रेड्स में कुछ अच्छी बातें करेंगे, चाहे आपने ट्रेल प्लान अच्छे से फॉलो किया होगा, आपने ट्रेल प्लान अच्छा बनाया होगा, अच्छे से एग्जीक्यूट किया होगा, आप उसको वो भी लिखेंगे। सो ऑल इन ऑल आफ्टर 20 ट्रेड्स के बाद हमारे पास एक सेट ऑफ चीज, एक सेट मिल जाएगा कि हाँ यार मैं ऐसा ट्रेडर हूं। तब आपको अपने मिस्टेक्स को अब क्या करना है, अपनी जर्नल से सीखते हुए आपको मिस्टेक्स को कम करना है और जो आपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं कि आप जो आपकी आप में जो अच्छी चीजें हैं उन पे डबल डाउन करना है। सारी चीज हम लोग कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज के लिए हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है जो कि आप पीछे देख सकते हैं। उसके अंदर पे हम लोगों ने पूरा स्टेप बाय स्टेप का ब्रेकडाउन करा है कि कैसे हम लोग ट्रेड को लॉक करते हैं, कैसे हम लोग उससे जो मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उस मिस्टेक्स को कम करते हैं। ये सब देखने के लिए यू कैन वॉच द वीडियो। ये जो ऊपर 9 स्टेप्स है ना, ये अलोन आपको एक प्रॉफिटेबल जर्नी की स्टार्ट में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेंगे। द रियल MVP इज द 10th पॉइंट, वांटिंग टू बी अ गुड ट्रेडर वर्सेस being a good trader. Wanting to be a good trader and being a trader में बहुत 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 बड़ा difference है। जो अभी ऊपर की सारी चीजें है ना, हर कोई चाहता है करना कि यार हम अपनी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी जान जाए, हम जर्नलिंग करना शुरू कर दें, हम एक ही स्ट्रैटेजी से स्टिक करें, हम हाई रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड ले, चाहता सबको यही है, बट करते सबको ये नहीं है। केवल एक प्रोफेशनल ट्रेडर ही ये सारी चीजों करता है, क्योंकि वो डेली जर्नल करता है, ही नोज उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे, उसको पता है कि उसके सेटअप में कब रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा आ रहा है, उसको डेज मार्क्ड है कि उसको कौन से दिन पे ट्रेड लेना है, उसको कौन से टाइम पे कौन से इन्वॉल्वमेंट में स्विंग ट्रेड लेना है, कौन से स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड लेना है। ये सारी चीजें का जो ट्रेड प्लान उसने बनाया हुआ है ना, ये उसने ऑलरेडी बहुत ज्यादा एफर्ट डाल के वो बना चुका है। वी हैव अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, TM गोल्स। वहां पे हम लोग बात करते हैं, जितनी भी सारे जो पॉइंटर्स है ना उसके अंदर पे हम लोग आपको सिर्फ बताते नहीं, ये सारी चीज बताए हैं, उसमें हम लोग आपको करके दिखाते हैं। जितनी भी चीजें हैं हम लोग आपको कर दिया, 100 हफ्ते हो गए स्टॉक ऑफ सैटरडे के, हम लोग की एक ही स्ट्रेटेजी उसको रिपीटेडली कर रहे हैं। हम लोग जमाने से लाइव आपके साथ आते थे, 6 महीने पहले भी लाइव आते, तभी भी लाइव आते, बट जो ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है, जो ट्रेडिंग प्लान है, 2-3 दिन का ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसी कंसिस्टेंसी को देखने के लिए, इसी कंसिस्टेंसी को एक्सपीरियंस करने के लिए आप हमारे TM गोल्ड में जरूर वेलकम है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में आपको कम से कम नहीं तो 2 ट्रेडर का कम से कम 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस मिला है, एंड अगर आपको इस एक्सपीरियंस है, इस जो वीडियो को बनाने में मेहनत लगी है, अगर आपको इससे वैल्यू मिली होगी ना, सो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड आपके आसपास में जो भी बडिंग ट्रेडर है, आपको लगता है कि वो ट्रेडिंग में इन पॉइंट से उसकी ट्रेडिंग में जर्नी में लेवल अप हो सकती है, सो मेक श्योर कि इस वीडियो को वहां तक जरूर पहुंचाएं। एंड ऐसा ही अमेजिंग कॉन्टेंट और ऐसा ही लाइव ट्रेडिंग और ट्रेड प्लानिंग और इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमारे ट्रेडिंग मॉन्क्स स्कैम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें and do hit the bell icon.